हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज आपसे बात करेंगे डायनामिक कंपनी मशीन के बारे में। जो मशीन आप देख सकते हैं, 9 नीडल का मशीन है और मशीन ज़्यादा दिन का नहीं है, ठीक है। और रही बात, आप देख सकते हैं इस मशीन में हो रहा है फिलहाल काम, और इसका जो रनिंग स्पीड है बहुत ही अच्छा है, और मशीन का जो टोटल सेटिंग है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इस मशीन का जो स्टिच का जो क्वालिटी है, मतलब मशीन का जो स्टिच है, अच्छा है। और रही बात, इस मशीन का कुछ फंक्शन है जो मुझे बहुत ही पसंद आया, जैसे कि इस मशीन का जो आप जब मशीन को चालू करेंगे, मतलब रनिंग करेंगे, तो आपके स्पीड झट से पकड़ लेता है, ठीक है। इस मशीन का यही बहुत ही अच्छी बात है। और इस मशीन का जो सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि इस मशीन का सिग्नल प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, तो इस मशीन में जब भी डंडा मार रहा है, मतलब मशीन को जब चालू कर रहा है, तो अचानक किसी एक हेड में अचानक हल्का मतलब सिग्नल दे रहा है। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम का हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखा तो नहीं सकेंगे, क्योंकि फ्रेंड हमें एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना पड़ता है, और रही बात दूसरे हाथ से ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड। और ऐसा कोई नहीं मिलता जो कैमरा को पकड़ दे, क्योंकि सब अपना काम में बिजी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए सॉरी सबसे कहते हैं हम, और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप इसका मॉनिटर देख सकते हैं, मशीन ज़्यादा दिन का नहीं है, मशीन मतलब 3 साल का हो सकता है करीबन, ठीक है। और इस मशीन का प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम हो, मतलब जब आपका मशीन में होगा कि मतलब कोई हेड सिग्नल दे रहा है बार बार, धागा ना कटने पर भी आपका कोई हेड ज़्यादा सिग्नल दे रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए किसका जो बीम कट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल आप अपना मशीन का जो बीम कट उसे खोलिए, मतलब मास्टर कार्ड, ठीक है। तो आप मास्टर कार्ड को खोलिए। मास्टर कार्ड को खोलने के बाद आप क्या करेंगे, उस मशीन का मास्टर कार्ड को सबसे पहले वाइट पेट्रोल आपके उधर मिल जाए, किसी भी दुकान से आप वाइट पेट्रोल को आप खरीद सकते हैं। वाइट पेट्रोल लेके आप क्या करेंगे, मास्टर कार्ड को हल्का से ब्रश लेके आप इसे वॉश करेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद आप मास्टर कार्ड को दोबारा फिर से लगाइए, लगा के आप देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, मतलब धागा ना कटने के बावजूद भी आपका मशीन में सिग्नल दे रहा है कि नहीं। उसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है प्रॉब्लम का सलूशन, तो आप क्या करिएगा, आप मास्टर कार्ड को चेंज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कोई नॉर्मल मास्टर कार्ड लगाना नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी नॉर्मल मास्टर कार्ड लगाना नहीं है, आपको लगाना है सबसे पहले कि ओरिजिनल, मतलब अच्छा वाला और बिल्कुल सही मास्टर कार्ड आपको लगाना है। नहीं तो आप कोई भी मास्टर कार्ड लगाएंगे तो आपका सिग्नल का दिक्कत होता रहेगा, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपको शायद पता है कि बैक केबल है, मतलब एक केबल दिया गया है पतला सा वाइट कलर का, जो मतलब वायर है, उस वायर को भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, उस वायर का प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। तो उम्मीद है आपको हम अच्छी तरह से कह पाए, आप समझ गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद।